हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेद, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में ये जो गुजरात कैंप चल रहा है हमारा, और इसमें कई पेशेंट्स महाराष्ट्र से भी आए हैं, इसी सीरीज़ में एक पेशेंट है। आपका नाम? मल्लारी देवरे। मल्लारी जी, तो इनको भी एवियन की समस्या थी, जानते हैं इनसे इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और आज कैसा लग रहा है इनको, आज बताइए मल्लारी जी। मुझे पिछले साल जनवरी में थोड़ा सा दर्द हो रहा था पैर में, तो मैं फैमिली डॉक्टर के दिखा दिया, तो उसने 15 दिन का दवाई दे दिया, फिर ठीक हो गया। फिर 15 दिन के बाद और तकलीफ होने लगी। फरवरी, जनवरी, फरवरी दोनों महीना उसमें चले गए फैमिली डॉक्टर का। फिर मार्च में हड्डी के डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने भी 2 महीने की ऐसी दवाई चला दिया, फिर बोले कि ठीक नहीं हो रहा तो MRI किया। तो मेरे को अप्रैल में पता चला कि मेरे को AVN है। अप्रैल, फिर उनके दवाई मैंने कंटिन्यू 2-3 महीने चला दिया। फिर ऐसे करते करते दवाई से ठीक लगता था, फिर आपका पता चला कि अगस्त सितंबर में आपका मेरे दोस्त ने बता दिया तुकाराम, तो मैं आपका दिसंबर में आने वाला था पुणे कैंप में, तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पाए। तो मैं आपका एक्सरसाइज और डाइट चल रहा था मेरा कंटिन्यू, तो उससे मेरे चलना फिरना भी ठीक नहीं लगने लगा। अभी इधर आने के बाद और अभी ठीक लगने लगा। अभी मैं पेन पूरा ख़त्म हो गया, पूरा पेन खत्म हो गया, चल फिर ले रहा हूँ। जरा चल के देखो थोड़ा सा, ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल चाल है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो और भी एवियन के जो पेशेंट, उनको क्या सलाह देना चाहूँगा? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज सुबह शाम कंटिन्यू करते रहे और डाइट अच्छे से फॉलो करें और थेरेपी टाइम टू टाइम ले लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मल्लारी जी आपका, और आई थिंक आप सभी लोग इनके व्यूज़ को समझ करके हमारे पास जरूर इलाज करने के लिए आएंगे, और आप सभी लोगों को एवियन से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।